आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ हेलो एवरी वन यहाँ पर ट्रूफॉल्स का क्वेश्चन है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर टू सेपरेट ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स विच आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो है वो फिजिक्स की दो सेपरेट ब्रांचेस हैं और वो उनमें कोई भी रिलेशन नहीं है तो ऐसा क्या ट्रू है नो इट इज नॉट ट्रू नो इट इज फॉल्स इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक दूसरे से रिलेटेड है आइए जानते हैं किस प्रकार से रिलेटेड है देखिए इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म भले ही दो फिजिक्स की सेपरेट ब्रांचेज हों लेकिन वो दोनों इंटरकनेक्टेड होती हैं बाय द फिनोमिना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी कि अगर आपका कोई भी वायर है वो करंट कैरी कर रहा है तो एक बेसिकली करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया तो इसकी वजह से क्या होगा आपस में आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी सिमिलरली अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है मैग्नेट आपने रख दिया और उसके पास अगर आप को कोई कॉइल लेके गए और उनके बीच में क्या कराया आपने रिलेटिव मोशन कराया तो इसमें क्या होगी करंट इंड्यूस होगी ठीक है तो इसमें आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन से करंट इंड्यूस करवा रहे हो और आप यहाँ से करंट से मैगने मैग्नेट इंड्यूस करवा रहे हो मैग्नेटिज्म इंड्यूस करवा रहे हो दियर फोर ये इस फिनोमिना को हम लोग इलेक्ट्रो मैग्नेटिज़म बोलते हैं ठीक है दियर फोर इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक दूसरे से रिलेटेड है इसका आंसर क्या होगा फॉल्स होगा आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू थैंक्स फॉर वॉचिंग क्लास सिक्स ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट आप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ आरोप